आपने कर चुके हैं, अगर राहुल गांधी आपका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो आगे के स्टेप किस तरह से लेने का? हम कांग्रेस जनों का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह है और जब तक हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं करते ये अमरण आंदोलन जारी रहेगा अपनी अंतिम सांस तक। जैसे राहुल जी को एक तरह से हाईकमान तो था ही यहाँ पर पार्टी की, अगर ये जल्दबाजी में बहुत बड़ी डिसीजन लिया, राहुल जी को समय वापस आना चाहिए, अगर नहीं आता है प्रदेश में बहुत बड़ा निराशा नजर आ रहा है, इस संबंध में कैसे? हमने कहा कि सारे कांग्रेस जन इस राहुल गांधी जी से आग्रह कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस जनों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश में जो लोग गंगा जमनी तहजीब के विरोधा है उनके लिए, किसानों के लिए, देश की आवाम के लिए आपको कांग्रेस का नेतृत्व संभालना होगा। और ये हमारा आग्रह है, हमने आपके नेतृत्व में चल कर फांसीवादी ताकतों को, इन झूठी ताकतों को अभी चार प्रदेशों में हराया है। राहुल जी आप विश्वास के लिए कि हम सारे कांग्रेस जन आपसे आग्रह करते हैं आपके नेतृत्व में एक बार सच फिर जीतेगा, झूठ फिर हारेगा। इस देश से फांसीवादी ताकतें, इस देश से वो ताकतें जो गोडसे को आदर्श मानती हैं, इस देश से वो ताकतें जो द्विराष्ट्र का सपना देखती रही हैं, और आज इस देश से वो ताकतें जो आपस में दिलों को दिलों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम पराजित करेंगे। सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी हम सब की आपसे एक बार फिर विनती है, आग्रह है कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करें और इस्तीफा।